हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आप सबका ए एम वेद आर वी परिवार पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न भिन्न में आज हम पढ़ेंगे एडिशन यानी जोड़ना तो मिश्रित भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं इसकी सबसे आसान ट्रिक क्या होगी आज उसको हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले आपको क्या जानना होगा जैसे यहाँ पर लिखा है पाँच सही दो बटे तीन क्या लिखा है पाँच सही दो बटे तीन तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं पाँच पाँच और प्लस दो बटे तीन लिखा जा सकता है इसको क्या लिख सकते हैं पाँच प्लस दो बटे तीन तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे देखो ये पाँच सही दो बटे तीन जो होता है जो ये सही वाला अंक होता है सबसे पहले इनको हम जोड़ लेते हैं क्या करेंगे इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखो पाँच और चार नौ और एक ये क्या हो जाएगा दस कितना हो जाएगा दस इसके बाद में जो आपकी फ्रिक्शन बचती है दो बटे तीन चार बटे पाँच और ग्यारह बटे पंद्रह इनको हम जोड़ लेंगे क्या जोड़ेंगे इसके बाद में दो बटे तीन चार बटे पाँच और ग्यारह बटे पंद्रह इसको हम कैसे जोड़ेंगे देखो इनका यहाँ पर देखो कितना दे रखा है पंद्रह तो यहाँ पर भी आपको पंद्रह और यहाँ पर भी पंद्रह यानी हर को क्या बना लेना है आपको पंद्रह बना लेना है तो इसको पंद्रह बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें तो आप कहोगे तीन से मल्टीप्लाई कर दो जब तीन से नीचे मल्टीप्लाई की हो तो तीन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तीन है तीन को पंद्रह बनाने के लिए आप क्या करोगे तो पाँच से गुणा कर दोगे जब पाँच से गुणा किए हो तो पाँच से पंद्रह हो जाएगा तो नीचे पाँच से तो ऊपर भी पाँच से गुणा कर दोगे अब देखो यहाँ भी पंद्रह यहाँ भी पंद्रह यहाँ भी पंद्रह जब हर समान होता तो ऊपर की संख्याओं को का हम ऐसे ही लिख लेते हैं तो ऊपर की संख्या कितनी हो गई पाँच दुनी दस चार दिए बारह और ये ग्यारह और नीचे क्या आ जाएगा पंद्रह इनको जोड़ोगे तो एक और दो तीन यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा तीन और ये हो जाएगा एक दो तीन यानी तेंतीस तैंतीस ते बटे पंद्रह कितना आ गया आपका तैंतीस बटे पंद्रह क्लियर है अब तैतीस बटे पंद्रह कैसी भिन्न हो जाएगी तो ये कहोगे आप इम्प्रॉपर भिन्न हो जाएगी कैसी अनुचित भिन्न हो जाएगी तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा पंद्रह दो न तीस यानी दो यहाँ पर कितना मिल जाएगा दो सही तीन बटे पंद्रह मिलेगा दो तो सही तीन बटे पंद्रह तो तीन से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं क्या हो जाएगा तीन एक कम तीन तीन बचे पंद्रह क्या हो जाएगा तीन एक कम तीन तीन बचे पंद्रह यानी अब ये जो दो निकला है ये दो को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इस वाले में तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ जाएगा बारह सही एक बटे पाँच बारह ही एक बटे पाँच समझ आया कि नहीं समझ आया अगले प्रश्न को और अच्छे से समझ लेते हैं अगले प्रश्न के माध्यम से चलो अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है अगला प्रश्न सेम वही है यहाँ पर देखो जो आपके मिश्रित में दे रखी इनको सबको पहले आप एक पास जोड़ लेंगे तो नौ प्लस चार और प्लस इक्यावन तो इक्यावन जोड़ोगे कितना हो जाएगा साठ और साठ में चार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा चौंसठ यहाँ तक ठीक है अब हम इनको फ्रिक्शन को जोड़ लेंगे एक बटे तीन प्लस एक बटे पाँच और प्लस एक बटे पंद्रह इनको जब आप जोड़ोगे तो इनको भी क्या बनाना है सबको पंद्रह नीचे बना लेना यहाँ देखो पंद्रह है तो यहाँ पंद्रह बनाओगे तीन से गुणा करोगे तो ऊपर भी तीन हो जाएगा यहाँ पंद्रह बनाओगे तो पाँच से गुणा करोगे तो यहाँ भी पाँच हो जाएगा क्लियर है नीचे जब हर समान होता है तो उसको जोड़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा नीचे हर समान है यानी पंद्रह है तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ के लिख लेंगे पाँच और तीन आठ और एक नौ ठीक है पाँच और तीन आठ और एक नौ इसको जब कट कर करोगे तो तीन एक कम तीन और तीन बचे पंद्रह आपका क्या आ गया चौंसठ प्लस तीन बटे पाँच यह आया अब मैंने इससे पहले क्या बताया था इससे पहले देखो यहाँ पे क्या बताए हैं पाँच प्लस दो बटे तीन जब इस तरीके से लिखा रहेगा तो इसको हम क्या करते हैं इसमें चिपका देते हैं क्या करेंगे इसको चिपका देंगे यानी चौंसठ को इसमें चिपका देंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा चौंसठ से ही तीन बटे पाँच कितना आ जाएगा चौंसठ से ही तीन बटे पाँच क्लियर है चौंसठ से ही तीन बटे पाँच चलो आगे देखेंगे अगले प्रश्न को अगला प्रश्न देखो आपके सामने क्या दे रखा इतने इतने बड़े बड़े हैं एक सौ उन्नीस है तिहत्तर है और इक्यासी इन सबको पहले एक पास में जोड़ लेंगे तो देखो यहाँ पर एक तीन चार और नौ नौ चार तेरह तेरह के तीन हासिल मिला एक आठ सात पंद्रह एक सोलह और हासिल कितना मिला था आपका एक तो कितना हो जाएगा पंद्रह एक सोलह फिर से देख लो एक तीन चार और नौ चार तेरह तेरह का तीन हाशिल मिला एक आठ सात पंद्रह पंद्रह एक सोलह और एक हासिल सत्रह कितना हो जाएगा सत्रह और इधर क्या बचेगा आपका एक कितना आ जाएगा आपके पास एक सौ इकहत्तर प्लस पाँच बटे तेरह छः बटे तेरह और दो बटे तेरह यहाँ भी देखो तेरह हर समय में क्या है सेम है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी तो कितने हो जाएगा छः पाँच ग्यारह और दो तेरह तो तेरह बटे तेरह कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा एक सौ चौहत्तर कितना आ गया एक सौ चौहत्तर क्लियर है चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है आपको बताना होगा कैसे आप बताओगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है आपको यहाँ दशमलव में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्या करते हैं इसको आप क्या करोगे इससे इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद इसको जो दशमलव वाली संख्या आती है वहाँ से हम पता करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है आपको ना तो दशमलव में बदलना है ना तो आपको पीला लेना है कुछ नहीं करना है आपको छोटी और बड़ी संख्या बहुत ही आसानी से आप बता पाओगे सबसे पहले आपको देखना क्या है देखो अंतर देखना है इसका उनतीस और तीस का अंतर कितने का है एक का है यहाँ पर देखोगे अंतर कितने का है एक का है यहाँ पर देखोगे अंतर कितने का है एक का है अंतर देखना है अंतर आपका क्या होना चाहिए समान होना चाहिए यहाँ पर सब में देखो एक एक का अंतर है अंतर समान होना चाहिए चाहे एक एक का अंतर हो चाहे चार चार का अंतर हो है दस दस का अंतर हो अंतर से नहीं मतलब बस अंतर आपके क्या होना चाहिए समान होना चाहिए जब आपके अंतर समान होते हैं तो जिस भी जिसका भी अंश क्या होगा जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न हमारी क्या हो जाएगी छोटी होगी लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कंडीशन होनी चाहिए जो भिन्न हो वह भिन्न कैसी होनी चाहिए उचित भिन्न होनी चाहिए कैसी होगी भिन्न जो होगी वो उचित भिन्न होगी उचित भिन्न की क्या पहचान होगी जो अंश होगा उचित भिन्न का अंश क्या होगा अंश छोटा होगा अंश छोटा होगा और जो हर होगा वो क्या होगा बड़ा होगा ये जो अंश छोटा और हर बड़ा होगा ये कैसी भिन्न हो जाएगी उचित तो देखो इनमें सब में अंश हर से छोटा है उनतीस तीस उनतीस छत्तीस अड़स अड़सठ यानी अंश छोटा है हर बड़ा है तब भी ये नियम लगेगा जब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तब उसको हम बोलेंगे उचित भिन्न और उचित भिन्न में यदि डिफरेंस सेम हो गए अंतर बराबर हैं तो जो जो आंस बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी तो इन सब में देखो कौन सा बड़ा है तो आपको होगी सड़सठ बटे अड़सठ भिन्न क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी क्या बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे उनतीस वन बटे वनतीस बटे तीस ये हमारी क्या हो जाएगी ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी सड़सठ बटे अड़सठ समझ में आया है इससे आप क्या कर सकते हो आरोही क्रम में भी लगा सकते हो और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हो चलो आगे देखेंगे अगले प्रश्न को पाँचवा प्रश्न भी देखो क्या कहा गया है पाँचवा प्रश्न में पूछा गया है कौन सी भिन्न छोटी है आपसे क्या पूछ रहा है कौन सी भिन्न छोटी है सात बटे पाँच ग्यारह बटे नौ तेरह बटे ग्यारह यहाँ पर भी देखो डिफरेंस आप देख लेंगे यहाँ पर डिफरेंस कितने का है यहाँ पर अंतर देखो कि कितने का है दो का अंतर है यहाँ पर भी कितने का अंतर है दो का अंतर है और यहाँ पर भी कितने का अंतर है तो आप कहोगे दो का अंतर है प्रत्येक में दो दो का अंतर है और एक चीज़ आप देख रहे हो भिन्न कैसी है क्या उचित भिन्न है तो आपका आंसर आएगा नहीं उचित भिन्न होती तो ऊपर का आंसर छोटा होता और नीचे बड़ा होता ऊपर छोटा होता नीचे बड़ा होता लेकिन यहाँ पर कैसी भिन्न है अनुचित भिन्न है कैसी भिन्न है मेरे दोस्त तो आपका आंसर आएगा अनुचित भिन्न है अनुचित और जब भिन्न आपकी अनुचित होगी अनुचित भिन्न में क्या होगा ऊपर बड़ा नीचे छोटा ऊपर बड़ा नीचे छोटा ये अनुचित भिन्न हो जाएगी उचित भिन्न में क्या होगा ऊपर छोटा नीचे बड़ा क्लियर है तो अनुचित भिन्न में क्या होता है अनुचित भिन्न में जब ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है तो जो भिन्न सबसे ऊपर बड़ी होगी जो अंक सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा तो यहाँ पर पूछा गया आपसे सबसे छोटा यहाँ पर देखो तेरह ग्यारह सात तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है तेरह यानी तेरह बटे जो ग्यारह है यह सबसे छोटी होगी या क्या होगी यह भिन्न सबसे छोटी होगी और ये सात बटे पाँच ये क्या हो जाएगी ये सबसे बड़ी हो जाएगी ये क्या होगी सबसे बड़ी दोनों में आप अंतर समझ लो जब उचित भिन्न होगी तब हम क्या देखेंगे और जब अनुचित भिन्न होती तब हमको क्या अनुचित भिन्न में जो अंश बड़ा होगा जो सब अंश बड़ा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी और जो अंश छोटा होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी और उचित भिन्न में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है उचित भिन्न में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा चलेंगे अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखोगे अब आप सबके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा जब अंतरक्षेम ना हो तब हम क्या करेंगे सर जब अंतर क्षेम ना होगा तब हम क्या करेंगे आ रहा है प्रश्न जब अंतर क्षेम ना हो तब हम क्या करेंगे तो देखो वैसे ही सवाल है जब यहाँ पर अंतरक्षेम नहीं है तब हम क्या करने वाले हैं उनतीस बटे पैंतीस इनमें जब हम हाँ अंतर निकालोगे तो कितने का अंतर आएगा तो आप कहोगे छः का अंतर आएगा कितने का छः का अंतर है यहाँ पर देखोगे पैंतीस बटे उनतालीस तो पैंतीस बटे उनतालीस में कितने का डिफरेंस है चार का डिफरेंस है सड़सठ बटे उनहत्तर इसमें कितने का डिफरेंस है तो आप कहोगे इसमें बारह का डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है बारह का डिफरेंस है देखो अंतर सब क्या है अलग अलग आ गए जब अंतर अलग अलग आ जाते हैं तब हमको क्या करना होता है ये वाला मेथड जो है सब में कामन करेगा चाहे वो अंतर सेम हो ना हो ये सब में काम करेगा है ना ये हमारा सब में काम करने वाला तो देखो जो, जो अंतर निकल जो ये अंतर निकला है छः चार और बारह तो हम छार और बारह इनका लाशा निकाल लेंगे क्या निकालेंगे इनका लाशा निकाल लेंगे तो इनका लाशा कितना आ जाएगा तो आपको हो गया बारह लाशा निकालना इससे पहले वाले हम वीडियो में बता चुके हैं बहुत आसान से आप कैसे लाशा निकाल सकते हो तो छः चार और बारह इनका लाशा कितना इनका छः चार बारह का लाशा कितना आ गया बारह आ गया अब हमको देखो प्रत्येक जो अंतर आया है इसको हमको क्या बनाना है बारह बना लेना है जैसे ये छः है तो इसको बारह बनाने के लिए हम क्या करें तो आप कहोगे दो से गुणा करो तो हम दो से गुणा इस वाले में नहीं करना है हमको दो से गुणा उनतीस में कर देना है तो इसमें दो से गुणा करोगे तो उनतीस का दो से गुणा करोग कितना हो जाएगा तो आप कहोगे अट्ठावन आएगा इसको चार को हमको बारह बनाना है तो चार को बारह बनाने के लिए किससे गुणा करोगे तीन से तो तीन से गुणा इसमें ना करके आप अंश में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा पैंतीस या एक सौ पाँच कितना आएगा एक सौ पाँच यहाँ पर देखो बारह है और बारह बनाने यानी एक से गुणा करें तो सड़सठ में एक से गुणा करोगे कितना हो जाएगा सरसठ ही आ जाएगा यहाँ तक समझ में आएगा सबको यहाँ तक क्लियर है अब देखो जो यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ देखो अट्ठावन सड़सठ और एक सौ पाँच सबसे बड़ा कौन है एक सौ पाँच तो आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी तो सबसे बड़ा कौन है एक सौ पाँच यानी आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन आ जाएगी पैंतीस बटे वनतालीस ये क्या हो जाएगी ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी क्लियर है और सबसे छोटी भिन्न पूछेगा तो सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी अट्ठावन यानी उनतीस बटे पैंतीस ये क्या हो जाती सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी क्लियर है चलो आगे चलें आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया आपसे अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त किसी खंभे का एक बटे दो भाग लाल है कितना एक बटे दो भाग लाल है एक बटे तीन भाग हरा है और शेष भाग शेष यानी चार मीटर जो है वो कैसा है नीला है तो खंभे की कुल लंबाई याद करो यहाँ से आपको एक ध्यान रखना है आप मान लीजिए माना खंभे की कुल लंबाई तो हमेशा जो लंबे की जो लंबाई मानोगे वो नीचे जो है दो और तीन इनका लाशा मान लो इनका लाशा निकालोगे दो और तीन का लाशा कितना होता है छः तो मान लीजिए खंभे की लंबाई कितनी है छः मीटर ये आपने मान लिया माना खंभे की लंबाई कितनी है छः मीटर कहाँ से मान्य हो जो बटे वाले भाग जितने भी भाग होंगे नीचे इनका आप लाशा निकाल लो यानी तीन और दो का एल्सियम निकालें तो कितना है कि छः आप कह रहे हैं किसी खंभे का एक बटे दो भाग तो छः का एक बटे दो भाग निकालोगे तो छः का एक बटे दो निकाल लो कितना हो जाएगा तीन यानी जो तीन मीटर है ये कैसा है लाल है तीन मीटर भाग क्या है लाल है एक बटे तीन भाग हरा है तो छः का एक बटे तीन भाग तो छः का एक बटे तीन निकालो कितना आ जाएगा दो मीटर दो मीटर कैसा है दो मीटर हरा है ठीक है और शेष भाग अब देखो तीन ये है और दो ये है तो तीन और दो कितना हो गया पाँच तो शेष कितना बचा जब पाँच यहाँ से हो गया हमारे पास टोटल कितना था छः था तो तीन और दो पाँच तो निकल गया तो शेष कितना बचा एक मीटर शेष कितना बचा है एक मीटर लेकिन यहाँ पर एक मीटर ना देकर के कितना दे रखा है कह शेष चार मीटर यानी एक बराबर किसके है चार मीटर की एक बराबर किसके हैं चार के है तो छा खे कुल्बई खेत लंबाई छ चौक चौबीस मीटर कितना हो जाएगा चौबीस आपका बी सही हो जाएगा क्लियर है कितना हो जाएगा चौबीस मीटर चलो देखेंगे अगले प्रश्न क्यों अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक गांव में रहने वाले लोगों में से एक बटे तीन भाग क्या एक बटे तीन भाग जो है ये नौकरी करते हैं एक बटे चार भाग व्यापार करते हैं एक बटे चार भाग कृषि करते हैं तो गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है तो आप यहाँ पर कैसे कल करोगे इन शबका क्या निकाल लो चार चार और तीन इनका शबका क्या निकाल लेते हैं इनका शबका निकाल लो लाशा तो चार चार और तीन का निकालो लाशा निकालोगे तो कितना आ जाएगा बारह कितना आ जाएगा बारह आ जाएगा यहाँ तक ठीक है अब देखो एक बटे तीन भाग नौकरी करते हैं तो इसका एक बटे तीन भाग निकालोगे कितना आ जाएगा तीन चक्कू बारह यानी चार आएगा चार लोग क्या करते हैं नौकरी करते हैं ठीक है फिर एक बटे एक बटे चार भाग व्यापार करते हैं तो बारह का तो हम जो बारह का बारह का ए, एक बटे चार एक बटे चार निकालोगे कितना आ जाएगा तीन तीन क्या करते हैं व्यापार करते हैं और बारह का एक बटे चार कृषि करते हैं यानी तीन लोग और क्या करेंगे तो बारह का बारह का एक बटे चार भाग बारह का एक बटे चार भाग जब निकालोगे बारह का एक बटे चार भाग तो बारह का एक बटे चार भाग कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा यानी ये तीन ये तीन और ये चार तो चार और तीन सात और तीन दस यानी दस लोग क्या हैं नौकरी कर रहे हैं दस लोग क्या कहें नौकरी कर रहे हैं कह रहा है बताओ कितने भाग कितने प्रतिशत भाग बेरोजगार हैं तो भैया दस लोग नौकरी कर रहे हैं हमारे पास कितने लोग थे तो आप कहोगे बारह लोग थे तो कितने लोग बेरोजगार हैं तो आप कहोगे दो लोग कितने लोग बेरोजगार हैं दो लोग कितने में से तो आप कहोगे बारह में से दो से कम दो दो छक्का तो एक बटे छः कितना आ गया एक बटे छः भाग जो क्या हैं ये बेरोजगार हैं यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलेंगे कल अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद